द्वारा नमाज आपका मकसद यह है कि उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ पहुंचना, तो हम अल्लाह की तरफ कैसे पहुंचे जिसका नाम अलग अलग जो है हर जगह बदल बदल के जैसा समा हुआ। गुरबानी में ऐसा सिद्धांत है, बहुत नाम भगवान के दिए गए हैं तो उनमें एक अल्लाह भी है, तो नाम तो उसी के हैं, चाहे हम देश में या समय के हिसाब से उनको अलग से कर लेते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सफलता को वही लोग प्राप्त करेंगे, चाहे हम रोजे भी रखें तो सफलता उन लोगों को ही मिलेगी जो विश्वास रखेंगे, आचरण अच्छा होगा और उनके काम अच्छे होंगे। अब जो सारा समय अगर इन दिनों में तो ये भी कहा गया है कि अगर आपसे कोई झगड़ा भी करता है तो आप कहो कि मैंने रोजा रखा है, जवाब नहीं दिया। कितने अच्छे ये नियम बने हैं और इससे समाज जो है पवित्रता की तरफ जाएगा। अपने आप को एक महीना में जो चीजें दिखी गई हैं तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में अपनाने वाली हैं। मुझे मौका मिला कि मैं सूरत अल फातिहा से लेके सूरत अल फलक तक कुरान मजीद को पढ़ सकूं। उसके अंदर का जो बात कही गई है अखीर आके ये खत्म होती है कि धर्म के असूल उन लोगों के लिए हैं जो इन पे विश्वास रखते हैं और उनकी तरफ को मानते हैं आगे चलते हैं।